हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल नडालीज ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि पनिशमेंट क्यों देनी चाहिए, तो पनिशमेंट इसलिए देनी चाहिए, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप कैसे हो, बच्चों को कैसे पनिशमेंट दे रहे हो, आपको जेल हो जानी चाहिए वगैरह वगैरह। आप मुझे ये बताओ, आपके घर के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं? कुछ जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं ना, वो प्यार से पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको उन्हें डांट के रखना पड़ता है, तब उनका माइंड थोड़ा सा ब्रिलियंट बनता है। ठीक है, आप किसी को जब तक आप उसे गाइड नहीं करोगे, जब तक आप उसे डांटोगे नहीं, आप उसे प्यार से समझाओ, आप उसे डांटो। कुछ बच्चे, मैंने पहले भी कहा था, कुछ बच्चे प्यार से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे गुस्से से पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे सिर्फ मार से पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ बड़े लोग होते हैं, हम बात करते हैं बड़े लोगों की। अब हम कहते हैं कि कुछ बड़े लोगों को पनिशमेंट क्यों पसंद होती है, तो कुछ बड़े लोगों को लगता है कि वो भी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनको कोई डांटे, उनको कोई कंट्रोल करे उनका, ताकि वो उसका कहना माने, उसकी बात माने, उसकी चीज़ों को फॉलो करे, उनके रूल्स माने। मैं तो ऐसा सारा करती हूँ। ठीक है, ऐसा मेरा सारा है कि जो हमारा सेशन होता है उसमें क्या होता है, कोई टॉर्चर नहीं होता है। ठीक है, जो हम पनिशमेंट देते हो उसमें कोई ऐसा टॉर्चर नहीं है। मैं जो इनफेक्ट अपने स्कूल के बच्चों को पनिशमेंट देती थी, या जो मैं अपने ट्यूशन में पनिशमेंट देती थी, आप में से इतने सारे लोगों ने कमेंट्स किया, आपको जेल हो जाए, आपको वैसा हो जाए, आपको वैसा हो जाए। आप लोगों की वजह से स्ट्राइक आई थी मेरे चैनल पर, मैं बोलूँगी नहीं, सीरियसली कह रही हूँ। ठीक है, क्यों? क्या बच्चों को बिना डांटे बिना मारे, एक शैतान बच्चा दे रही हूँ मैं आपको, अगर एक काम कीजिए, एक शैतान बच्चा उठाइए, एक शैतान बच्चा लीजिए, या कोई बहुत ही बदतमीज़ टाइप का इंसान है आप उसे लीजिए, जब तक आप उसे डांटेंगे नहीं, जब तक आप उसे गुस्सा नहीं करेंगे, जब तक आप उसे चीज़ें नहीं समझाएंगे, अगर वो अच्छा बन जाए, प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा, उसकी हिस्ट्री बताइएगा, उसकी कुंडली बताइएगा, ऐसा था ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सारे लोग ऐसे होते हैं ना, नहीं सुधर सकते। मैं बहुत मोस्टली देन अच्छे से जानती हूँ, नहीं सुधर सकते, कॉमन। मैंने इतने सारे बच्चे देखे हैं, सेशंस लिए हैं, मैंने इतने सारे लोग देखे हैं, लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की थिंक, बहुत सारी चीज़ें जची है। जब तक आप उन्हें डांटेंगे नहीं, जब तक आप उन्हें मारेंगे नहीं, जब तक आप उन्हें समझाएंगे नहीं, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। इसीलिए आप ये मत कहा कीजिए कि उन्हें डांटो मत। पनिशमेंट देने से क्या होता है, उसके सामने वाले के मन में थोड़ा डर होता है। बड़े बन में तो लोगों को खुशी मिलती है पनिशमेंट लेके, रिसेशन तभी तो हो रहे हैं। ठीक है, बच्चों को जब आप डांटोगे मारोगे तो उनमें क्या होता है, एक थोड़ा सा डर होता है। मैं ये नहीं कहते जला दूँ, कितना मारो, बेहिसाब मारो, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा मारोगे तो उनको डर होगा कि हाँ यार, हमने गलती करी है, हमें मार पड़ दी है, हम आगे से नहीं करेंगे, हमारे टेस्ट में कम नंबर आए। मैं तो फिर भी बहुत गंदी सज़ा नहीं देती हूँ, नॉर्मली सज़ा देती हूँ अपने बच्चों को। जैसे आप लोग मुझे अपनी स्टोरी बताते हैं या चीज़ें बताते हैं, आपको ऐसा होता था या वैसा होता था, तो मेरे तो किसी भी उसमें ऐसा नहीं होता है, है ना? ऐसा किसी भी उसमें होता तो आप मुझे बताइए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। इसीलिए लोगों को पनिशमेंट लेना अच्छा लगता है कि लोग उन्हें कंट्रोल करें, लोग उन्हें डांटे। आई थिंक ऐसा क्यों, क्योंकि उन्हें स्कूल टाइम पे पनिशमेंट नहीं मिली है, उन्हें स्कूल टाइम पे पनिशमेंट मिली होती तो वह ऐसा नहीं करते। कुछ लोगों को सिंपल पनिशमेंट अच्छा लेना लगता है, कुछ लोगों को बहुत ही अलग, वो अलग अलग वाला मैं नहीं देती हूँ। ठीक है, हमारी जो सिंपल पनिशमेंट होती है वो स्कूल वाली होती है, नॉर्मल पनिशमेंट होती है। ट्यूशन पढ़ाना छोटे बच्चों को नहीं करा रही, मैं बड़ों को कराती हूँ, तो बड़ों के साथ मेरा वीडियो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और एक मोस्टली कॉमन बात, आप लोग, कुछ लोग कहते हैं ना, पैसे सबमिट करने के टाइम पर कह देंगे कि आप अभी सेशन लो। मैं नहीं ले सकती, मैं जब देन फ्री हूँ मैं तब लूँगी, मुझे पूछ के पेमेंट करो और बाद में ऐसा इशू मत करो, अदरवाइज़ मैं ब्लॉक कर दूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो गाइस, ये छोटा सा अच्छा लगाओ तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।